जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि 15 दिसंबर तक नहरों की 100% सील्ड सफाई कर दी जाए ताकि टेल तक पानी पहुंच सके और 30 दिसंबर तक ग्राम प्रधानों से भी सील्ड सफाई एवं टेल तक पानी पहुँचाने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए और सभी कार्यों की फोटोग्राफी कराते हुए यह सुनिश्चित करें कि रोस्टर के अनुसार पानी का प्रवाह हो। सील्ड के सत्यापन रिपोर्ट गठित कमेटी द्वारा समय से प्रस्तुत होनी चाहिए। मनरेगा में सिंचाई विभाग द्वारा कार्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित खंड के अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार DRDA के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर PD को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी सेवाएं ई डिस्ट्रिक्ट में एक सप्ताह के अंदर अवश्य दर्ज करा दें, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की क्रमवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिछली बार की कार्यशाला के अनुपालन आपसे क्या है? सर बहुत कुछ सर दिसंबर को होने वाली है। क्या आप वो भी देखते हैं? भाई ये दिसंबर बात ये दोनों चाहिए ना, बाकी सब लोकार्पित हो गई। हाँ ये लोकार्पित लोकार्पित तो अलग बनाए हैं कुछ, ये वो हो गए ना, बाकी में हुई है ना लघु सिंचाई में भूमापिया वाले तटबंदी बांध रही आप तक सिंचाई की बात बताइए। नहीं नहीं सर, ये सीट हमारी जो है 83% माइनर हो गई है और 62% डिवाइड हो गया सर। आप देख नहीं हुआ है सर जी? नहीं, ऑनलाइन अपडेट कर दिया है। आपकी प्रधानों के दखलनामा लाइए कहाँ है सर? ये तो जब हमारी रवि में नहर चलेगी 15 दिसंबर के बाद, तब उसका टेल फीडिंग में लाएंगे ना सर। अभी तो नहर हमारी बंद है सर। रवि कब से चलेगी? 15 दिसंबर तक है सीट सफाई का, उसके बाद चलेगी। तो टेल तक पानी कब पहुंचेगा? असल पहला पानी जब चलेगा तो कम से कम 10 दिन बाद। साइन होता है? जी सर। हाँ साइन नहीं हुआ? नहीं साइन होता है। कहाँ हुआ? अभी हुआ नहीं। नहीं रवि का सर हो चुका है। हो चुका है 15 दिसंबर से। मैंने कहा मैं प्रस्ताव दिया नहीं, मैंने 1 करोड़ का टारगेट दिया था मैंने। नहीं हर डिवीजन का 40-40 लाख करता था। हाँ तो कुछ डिवीजन का है सर। कब तक देंगे सर ये सीट के बाद? 15 के बाद सर, चूंकि उसको आप चौका नोटिस दीजिए सभी खंड के इलेक्ट्रिशियन को, क्यों ना आपका खिलाफ कार्रवाई करें। इतने दिन देने के बाद भी मनरेगा में प्रस्ताव नहीं दिया, इतने बजे देने के बाद भी बार बार कहने के बाद भी प्रस्ताव नहीं दिया। और एक कॉपी मुझे आज दीजिए, आज मैं मानू उसको दे दूँगा। क्या है ना, झाड़ियाँ साफ की गई हैं ना, ये बड़ा और अभी यहाँ जुटे दूर का परिणाम क्या है? सब हो जाएगा दिसंबर तक, क्या हो जाएगा मुझे पता है। ग्राउंड वाटर के वजह से आप बचे हैं। नए गांव है उन टेल का दखलनामा देने की पानी वहां तक पहुंच गया है। तीसरा मुझे एक फोटो एल्बम चाहिए सभी सील्ड सफाई का, बिफोर और आफ्टर का, सभी अल्पिकाओं के बारे में, सभी रजवाओं के बारे में तो चाहिए। और इस बार मैं रोस्टर की चेकिंग कराऊंगा, अगर रोस्टर के अनुसार पानी नहीं पहुंचा सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये शोकॉज नोटिस में डाल दो 4 टारगेट।